नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसानों का संघर्ष रंग लाया है और शायद यह अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का भी असर है कि सरकार को 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा है। लेकिन अभी कई सवाल बाकी हैं, शायद उनका उत्तर भी आने वाले चुनाव के दौरान मिल ही जाए। चुनाव चक्र के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी उत्तर प्रदेश की और समझा था उसका सियासी गणित। इस बार हम बात करेंगे पंजाब और उत्तराखंड की। तो शुरू करते हैं चुनाव चक्र। उत्तर प्रदेश के बाद इस बार के चुनाव में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण राज्य है तो वह है पंजाब। क्यों इतना अहम है पंजाब, आइए देखते हैं। पंजाब की धरती इस समय किसान आंदोलन में तपी हुई है, यही वजह है कि यह राज्य इन चुनाव में बेहद अहम हो गया है। और एक और बात, यहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है जैसे वह अन्य चुनावी राज्यों यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सत्ता में है। सत्ता तो छोड़िए, उसकी यहाँ विपक्ष में भी कोई हैसियत नहीं है। पंजाब में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है और बीजेपी को उसके ही बड़े और सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पर ही छोड़ दिया है कि पिछले कुछ समय से पंजाब में सियासी उठापटक भी बहुत तेज हो गई है। और बीजेपी कांग्रेस के बागी पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के भरोसे पंजाब की सत्ता में फेरबदल का मंसूबा पाल रही है। अकाली दल भी चुनाव नतीजों के बाद ही बीजेपी के साथ दोबारा आगे जाने या न जाने का फैसला कर सकता है। इस समय किसानों का मूड पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए अकाली दल भी इसे भांपकर बीजेपी से अलग हुआ है और केंद्र में सत्ता की भागीदारी तक छोड़ दी है। हालांकि किसान उसके ऊपर कितना विश्वास करेंगे यह कहना मुश्किल है, क्योंकि उसने पहले इन कानूनों का लगभग समर्थन ही किया था। बाद में किसानों का गुस्सा देखते हुए राज्य में अपनी जमीन खिसकने के डर से वह भाजपा से अलग हुआ। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में एक बड़ा प्लेयर है। 2017 के चुनाव में आपको बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल से भी ज्यादा 20 सीटें मिली थी, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की भी निगाहें यहां सत्ता की चाबी हासिल करने पर हैं। वैसे राजनीतिक जानकारों के अनुसार मोटे तौर पर अभी तक पंजाब का चुनाव फिलहाल कांग्रेस के फेवर में दिखता है, लेकिन उसके भीतर भी कम घमासान नहीं है। पंजाब की राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू सबसे अनोखे किरदार हैं। सिद्धू इस समय हैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उनके बयान और कार्यवाही लगातार कांग्रेस को ही परेशानी में डालती रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से उनकी तकरार जग जाहिर है। उसी के बाद अमरिंदर भी पार्टी से अलग हुए या कहें कि हटाए गए, लेकिन उनके बाद कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू को चांस न देकर पार्टी के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को मौका दिया और राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। इस पेचीदा स्थिति में चन्नी के चयन को राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक माना गया। चन्नी की छवि की वजह से सभी तबकों ने उनके चुनाव का स्वागत किया। सिद्धू को भी समर्थन देना पड़ा, लेकिन वे बहुत खुश हों ऐसा नहीं लगता, इसलिए वे बार बार अपनी बोली या कहें कि पैतरा बदलते रहते हैं। उनके इस रवैये से प्रदेश खासकर कांग्रेस की राजनीति ही मुश्किल में फंसती नजर आती है। इन हालात में कहा जा सकता है कि इन चुनाव में कांग्रेस को अपने विपक्षी शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और आम आदमी पार्टी से ज्यादा अपने साथी सिद्धू और अपने बागी अमरिंदर सिंह से होने वाले नुकसान के बारे में सोचना होगा। न्यूज क्लिक रिपोर्ट। आइए सियासी जोड़ घटाव के बाद पंजाब की सीटों का गुणा भाग भी जान लेते हैं। पंजाब राज्य में विधानसभा की कुल सीटें हैं 117, जो मोटे तौर पर 3 दलों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल में बटी हुई हैं। 2017 के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने 7 चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। हालांकि इस बार अमरिंदर अलग हैं और भाजपा की पिच पर खेलते नजर आ रहे हैं। 2017 के चुनाव में कुल 117 सीटों में से कांग्रेस ने कब्जाई थी 77, यानी 77 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी 20। शिरोमणि अकाली दल 15 सीटों पर विजय हुआ, जबकि पंजाब में उसकी जूनियर पार्टनर भाजपा सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। लोक इंसाफ पार्टी यानी LIP के खाते में आई 2 सीटें। LIP आम आदमी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ी थी।
2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में आया था 38.5% वोट शेयर, जबकि आपने हासिल किया 23.72% और उसके सहयोगी लोक इंसाफ पार्टी ने पाया 1.23% वोट। शिरोमणि अकाली दल को मिला 25.24% और उसके सहयोगी भाजपा को 5.39% वोट। इस चुनाव में इन दोनों पार्टियों की राह अलग है। अदर्श यानी अन्य के हिस्से में भी 6% के आसपास वोट आया। अदर्श में नोटा शामिल है। जैसे हमने पहले भी कहा कि किसान आंदोलन के चलते इस बार के पंजाब के चुनाव बेहद अहम है। कांग्रेस के सामने भी सत्ता में वापसी की चुनौती है, क्योंकि पंजाब के इतिहास में भी किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कम ही होती है। हालांकि 2012 में इतिहास बदलते हुए अकाली दल और भाजपा गठबंधन ने सत्ता में वापसी की थी, और इस बार यही चुनौती कांग्रेस और उनके नए सिपहसालार चरणजीत सिंह चन्नी के सामने है। न्यूज क्लिक रिपोर्ट। 2022 की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें एक है उत्तराखंड, जो कभी यूपी का हिस्सा रहा था। जब से उत्तराखंड बना है, तब से वहां की राजनीति भी केवल 2 दलों भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटी हुई है। हालांकि राज्य के गठन में उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य की भी एक बड़ी भूमिका रही, लेकिन सरकार मोटे तौर पर भाजपा और कांग्रेस के ही नेतृत्व में बनी। यहां भी हर 5 साल में इतिहास बदल जाता है। आइए देखते हैं उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटें हैं 70, इनमें से बीजेपी के पास हैं 57 और कांग्रेस के पास हैं कुल 11। निर्दलीय भी 2 सीटों पर काबिज हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को करीब 47% यानी 46.99% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के हिस्से में आए 33.83% वोट। निर्दलीय के खाते में भी 10% से ज्यादा वोट गए और अन्य के खाते में भी, जिसमें नोटा भी शामिल है, 9% वोट रहे। सीट और वोट शेयर के हिसाब से उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और साथ ही मोदी जी के शब्दों में डबल इंजन की भी सरकार है। लेकिन क्या है पूर्ण बहुमत या डबल इंजन मजबूत और काम करने वाली सरकार की भी गारंटी है? नहीं, ऐसा तो नहीं दिखता। अगर ऐसा होता तो बीजेपी को पिछले कुछ ही महीनों के अंतराल में अपने 3 मुख्यमंत्री ना बदलने पड़ते। 2017 के चुनाव के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन सत्ता के आखिरी साल में उन्हें हटाकर कमान दूसरे TS रावत यानी तीरथ सिंह रावत को सौंप दी गई। और उनसे भी जब प्रदेश न संभला तो अब एन चुनाव से पहले जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब देखना है कि पार्टी और प्रदेश का जितना डैमेज हो चुका है वो उसे इन चंद महीनों में कैसे पूरा कर पाते हैं। हालांकि वे ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड भी किसी पार्टी को लगातार 2 बार सत्ता नहीं देता। न्यूज क्लिक रिपोर्ट। तो आज हमने बात की पंजाब और उत्तराखंड की। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मणिपुर और गोवा का हाल। हम आपको याद दिला दें कि यूपी पंजाब समेत 5 राज्यों का पूरा इलेक्शन मैप हमारी न्यूज क्लिक की हिंदी और अंग्रेजी वेबसाइट पर उपलब्ध है। साइट पर जाइए और इलेक्शन मैप के बटन पर एक क्लिक कीजिए। पूरे आंकड़े, पूरा ब्यौरा आपके सामने होगा। आप इसका अपने तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अन्य खबरें जानने के लिए हमारी साइट पर ज़रूर विजिट करते रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपसे जुड़े रहें हर माध्यम से, हर प्लेटफॉर्म से। शुक्रिया, धन्यवाद।